प्रदर्शन किया जा रहा है, कई राज्यों में युवा हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने इस योजना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और इससे सेना की परंपरा और गौरवमय इतिहास से खिलवाड़ उन्होंने बताया। जी मीडिया से खास बातचीत में ओला ने कहा कि इसराइल, अमेरिका, चाइना जैसे देशों के मॉडल को लागू करने की कोशिश की गई है, लेकिन हिंदुस्तान में अलग तरह की जरूरतें हैं। यहाँ सेना का सिस्टम अलग है, यहाँ युवा को स्थायी रोजगार चाहिए। 4 साल में नौकरी देने के बाद युवा कोई दूसरा काम नहीं कर सकेगा, ये उन्होंने बयान दिया। हमारे साथ झुंझुनू शेखावाटी के नेता, राजस्थान सरकार में मंत्री बृजेंद्र ओला जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, झुंझुनू एक ऐसा इलाका जिसका देश के शौर्य में, देश के सेना के पराक्रम में एक बड़ा योगदान रहा है, किस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, आप इस योजना को लेकर क्या सोच रहे हैं? झुंझुनू वो जिला है जो जिसने देश में सबसे ज़्यादा शहीद सेना में लड़ते हुए देश के गौरव को बचाते हुए हैं, और वहाँ से जो ये योजना भारत सरकार लाई है, इसके लिए बहुत ही आक्रोश भरण पूर्ण प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। सेना एक ऐसा संगठन है हमारा भारत का, जिसमें कोई भी सरकार आई, चाहे किसी भी पार्टी की आई, चाहे किसी भी गठबंधन की आई, सेना को किसी ने छुआ नहीं। सेना अपने आप में एक सक्षम संगठन है। कहा ये जा रहा है ओला साहब कि 4 साल के बाद एक तो युवा के पास उम्र रहेगी, तजुर्बा होगा, उसे दूसरी जगह जो है प्राथमिकताएं दी जाएंगी। ये मॉडल जिन देशों से लाए हैं उनमें लोग सेना में जाते नहीं, स्वयं कंपल्सरी सेना में लेना पड़ता है हर नागरिक के लिए जो शारीरिक रूप से दक्ष हो। इसराइल है, अमेरिका है, चाइना है, इनमें लोग स्वेच्छा से। हमारे यहाँ तो पहले तो वो रेगुलर फर्जी वो फौजी भर्ती होती थी, अब रैली लगाते हैं। आप देखते हो कि 2000 आदमी लेने पड़ते हैं, 20 लाख आदमी उस रैली में पहुँच जाते हैं। उस देश में जब फौज में जाने के लिए युवा तैयार है तो वहाँ संविदा पर लेने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, दूसरे देश का मॉडल लाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। वापस लेनी पड़ेगी, निश्चित रूप से वापस लेने पड़ेगी, और ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। बिल्कुल, बृजेंद्र ओला शेखावाटी से जो हैं आते हैं, और एक ऐसा झुंझुनू जिला जहां से सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाते हैं, कह रहे हैं कि पूर्व सैनिकों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये योजना युवाओं के लिए अच्छी नहीं है, एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, इससे नुकसान होगा। हिंसा की जो खबरें आ रही हैं उनको रोकने की उन युवाओं से अपील कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये योजना वापस लेनी पड़ेगी। कैमरामैन पवन मूर्तिकार के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। और बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी जयपुर से, प्रोफेसर मुक्ता अग्रवाल बनी महारानी।